Okay, so now starting with questions, objective type questions. Which of the following is an incorrect statement? I'm reading the statement. You have to say it is true or false. Okay, don't say after all the statements. Throw with time. That's true. Organisms must repair and maintain their structure. Again, true. Movement of molecules does not take place among the cells. False. What type of the movement of molecules are there? Can anyone please tell? What type of the molecular movements are there in the living organism? It's when you will What type of the movements? It's written in the NCERT. यही pages में given है. आप पढ़ेंगे तो मुझे कल बताएंगे. ठीक है? कल के अल्टीमेट तो वही है ना. मतलब हम अगर फूड फॉर द फूड हम लोग प्लांट्स के ऊपर या अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं तो वहां से आगे जो है हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स वो कहाँ से फूड बना के ला रहे हैं? कहाँ से बना के ला रहे हैं? From the sun's help. You can say the sun is providing 1% of the energy. ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो. तो जिसकी वजह से वो फूड सिंथेसाइज करता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमंग द सेल्स. ओके. नाउ नेक्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड्स. व्हाट ऑर्गेनिजम्स आर देयर? बैक्टीरिया एंड वायरस ऑटोट्रॉफिक होते हैं? नो. बैक्टीरिया हो सकते हैं लेकिन वायरसेस नहीं. ठीक है. नेक्स्ट इज बैक्टीरिया एंड फंजाई. अगेन नॉट, बिकॉज फंजाई दे आर ऑल नॉन क्लोरोफिलस एंड हेंस दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड. Green plants and some bacteria. Yes, because bacteria some are photoautotrophic, some are chemoautotrophic, and some still are heterotrophic. Okay, so both mode of nutrition are there, heterotrophic as well as autotrophic for the bacteria. अच्छा बच्चे हम ये questions discuss कर रहे हैं. अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको ये question का answer आता है. ठीक है. I don't know, but you know it better for you yourself, right? If this has been a different thing that you have not studied earlier, अगर आपको इसका आंसर नहीं आता था, आपको लगता है कि मुझे ये चीज पहले से नहीं पता थी, you keep on writing in your notes. ठीक है. आप एक कॉपी बनाइए. That is really going to help you. I'm telling you, you make this notebook. ऊपर हेडिंग डालो लाइफ प्रोसेसेस और नीचे बुलेट्स में ये पॉइंट्स लिखने शुरू करो. क्योंकि जितने क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे उतने ही पॉइंट्स तुम्हारे इकट्ठे होंगे, है ना. तुम्हारे पास उतने ही ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती जाएगी. एंड ऑन द डे ऑफ योर एग्जाम आपने सिर्फ इनको एक रीड देना है ना. एग्जाम से पहले जब भी आपका एग्जाम होता है उस दिन सुबह उठ के या उससे पहले एक रात पहले जब भी आप इसका रिवीजन फुल फ्लेज करते हो तो आपने लास्ट रिवीजन में एक पॉइंट का देना है. देन यू आर गुड टू गो विद योर एग्जाम. दिस विल रियली हेल्प यू. राइट. यू नो बेटर फॉर यू योरसेल्फ. राइट. यू ऑल, if you want to write it, you can keep on writing it. Don't sit free. This is not the time to sit free here in the class. Everything you are going to do is now for yourself. हमारे लिए आप कुछ नहीं करना, आपने आप अपने लिए करना. आप लिख रहे हो, आप सुन रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप लॉस्ट हो, आप नहीं सुन रहे हो, आप नहीं समझ रहे हो, आपको नहीं पढ़ना है, नहीं सुनना है, वो सब आप लोगों के ऊपर. सब जो करोगे आप अपने लिए करोगे, हमारे लिए नहीं करोगे. हमारे लिए हमने जो करना था हमने कर दिया. अब आपकी बारी. नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट. अब आपकी बारी है. हमारी बारी हो गई, अब आपकी बारी है खेल खेलने. ओके. सो दिस इज ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया. द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विच आई एम गिविंग अलोंग साइड, आप उनमें से पॉइंट्स लिख सकते हैं. ठीक है. सो आई वाज टेलिंग यू द बैक्टीरिया दे शो द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक में भी आगे दो तरह के आते हैं. एक होते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स, दूसरे होते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स. ठीक है. ओके. सो नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑटोट्रॉप्स इज इनकरेक्ट. ऑटोट्रॉप्स के लिए इनकरेक्ट क्या है आपने जस्ट बताना है.
ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू कैन पुट योर थम्स अप फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड थम्स डाउन आइकन जो आपका आता है दैट इज फॉर योर फॉल्स स्टेटमेंट. ओके द क्वेश्चंस फर्स्ट स्टेटमेंट इज दे सिंथेसाइज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. दिस इज ट्रू और फॉल्स? वेरी राइट शिवांश. नेक्स्ट इज दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. मनशा, शिवांश एंड रिशित, वेरी नाइस. दोज हु आर रिस्पोंडिंग, हर्षित, गुड. दिस इज अगेन ट्रू, दैट इज दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. यस. थर्ड इज दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट. दिस वाज ओनली वन वर्ड. यहाँ से तो नहीं लिया था, ये तो किताब ही नहीं थी मेरे पास, पर क्वेश्चन सारे सेम सेम ही, सारे सेम सेम ही थे सारी किताबों में. बस ऑलमोस्ट मेरे को लगता है यही 30-40 क्वेश्चन ही बन रहे हैं जो सारे छाप दिए हैं सारी. मेरा तो चैप्टर ही एक है ना. एक्चुअली जो बुक मेरी थी वो मेरी कोई स्टूडेंट ले गई और वापस इन देखे थी, नहीं तो उसमें से मैं पेपर डालती तो फिर मजा आता. इस बार डालूंगी वो, यहाँ पे थोड़ा ना करूंगी डिस्कस, बाद में बताऊंगी, बाद में बताऊंगी. Next is they constitute the first trophic level in the food chain. They constitute the first trophic level in the food chain. Yes, plants, autotrophs. क्योंकि food chain हम पढ़ चुके हैं already और मैंने हमेशा बोला आपको कि plants का base level होता है और उसके ऊपर सारे बाकी के trophic level जो हैं वो arranged हैं. ठीक है, nice. Next is the autotrophic mode of nutrition requires what? Carbon dioxide and water. Yes or no? Yes, the photosynthesis or the autotrophic mode of nutrition that requires what of these? It is carbon dioxide and water it requires. Yes, chlorophyll, sunlight, all of these, all of these. Now here also I would like to tell you कि आप लोगों में एक mentality set की कि all of these वाला answer हमने tick करना है. इसकी वजह से बहुत बच्चों ने ये number गवाए हैं, है ना? नहीं होती. स्कूल वाले पेपर में किसी में ऑल ऑफ दीज का आंसर सही नहीं है. दो सही हो तो हाँ तीसरी अपने आप सही होती है. उसके लिए भी अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा तो एक्चुअली क्या होता है, हम लोगों की मेंटेलिटी सेट क्या है, इवन व्हेन आई वाज अ किड आल्सो आई वाज आल्सो थिंकिंग दैट कि जहाँ ऑल ऑफ दीज वाला आंसर है ना वो वही होगा, है ना? ऐसा होता था, अभी हुआ नहीं है. हमारे पेपर में क्या नहीं हुआ मुझे नहीं बाकियों का पता. तो ऑल ऑफ दीज वाला क्वेश्चन आपको क्यों नहीं आंसर में डाला गया? ऑल ऑफ दीज ऑप्शन दिया हमने आपको, पर बहुत बच्चों ने इसकी वजह से नंबर गवाए. बिकॉज व्हाट दे से इज कि ये क्वेश्चन और आंसर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑल ऑफ दीज मार्क्स, है ना? दैट इज रॉन्ग. ठीक है, दिस वॉज ओनली टू टीच यू अ लेसन कि ऑल ऑफ दीज जरूरी नहीं है आंसर में आए. आप अगर कोई हायर कॉम्पिटेटिव में जाएंगे लाइक फॉर नीट एंड जेई एग्जाम, वहां पे ऑल ऑफ दीज ऑप्शन होगा पर आंसर कभी नहीं होगा. ठीक है, जितने आप हायर एंड गुड क्वालिटी एग्जाम वगैरह देते जाओगे आगे आगे बढ़ के, उतने आप लोग को पता चलेगा कि ऑल ऑफ दीज आंसर होता ही नहीं. ठीक है, तो इसीलिए हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं. हो सकता है आपके बोर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ ऑल ऑफ दीज आंसर ना हो. ठीक है, कहने का मतलब क्या है, आपको जो भी क्वेश्चन है आपने बिना पढ़े बिना उसके ऑप्शन रीड किए अटेम्प्ट नहीं करना. बेटा अब हमारे पास रिस्क लेने का टाइम नहीं है, ये बोर्ड में ठीक है लास्ट है, डन है, खत्म है. इसके बाद टर्म वन, उसके बाद सब्जेक्टिव है, वो आप एक्सप्रेसिव होते ही हो. ठीक है, आप लोग को इतना पढ़ाने से, हम लोगों ने इतने साल पढ़ाई है आपको कराई है, तो आप उसमें एक्सप्रेशन दे दोगे ये हमें पता. बट व्हाट इज टेरिफाइंग अस आल्सो दैट इज योर एमसीक्यू, योर अटेम्प्ट, योर थिंकिंग, योर कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग और अटेम्प्टिंग दोस क्वेश्चंस ऑफ योर एमसीक्यू. ठीक है, तो वो चीज आपकी गलत नहीं हो, उसके लिए आपने हर क्वेश्चन पढ़ना है, हर ऑप्शन पढ़ना है. प्री बोर्ड में होगी शायद, प्री बोर्ड में चॉइस होगी. प्री बोर्ड में भी अगर चॉइस डाली जाती है तो उसके लिए भी क्या होगा, 60 क्वेश्चन हैं, आपने ओनली 50 वो करने हैं जो आपको आते हैं. ये नहीं करना कि मैं सारे के सारे 60 कर लूं और बाद में उन्होंने चेक सिर्फ पहले 50 करने. ठीक है, बाद वाले 10 तुम्हारे ठीक हो गए, अंदर वाले 10 कोई खराब कर दिया, यू विल बी एट लॉस. उन्होंने ये नहीं करना कि टोटल में 50 इनके सही हुए या टोटल में कितने सही हुए उतने के नंबर लगाने. फर्स्ट 50 अटेम्प्टेड दे विल बी चेकिंग. ओके, दे वोंट बी चेकिंग ऑल 60. हाँ बिल्कुल,
जो नहीं आता उसकी जगह खाली छोड़ देंगे, ठीक है? वो वाला आंसर नहीं लिखना हमने, फिर उसके अगले वाले पे जाएंगे, ठीक है? यू विल बी गिवन 1 to 60 क्वेश्चन नंबर, 60 क्वेश्चन में से 50 वो करने हैं जिसका श्योर शॉट आपको आंसर आता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस आपको प्री बोर्ड में दी जाएगी। कोई क्वेश्चन नहीं आता सर्कल मार दो अगले में चले जाओ, इकट्ठे कलेक्टिवली बाद में देखना कि अगर तो 10 की बचे हैं तो योर पेपर इज डन, है ना? अगर आपको लगता है कि 15 क्वेश्चन आपने नहीं किए बीच में, ठीक है, देन फाइंड आउट द 5 मोर क्वेश्चन आंसर, जो आपको बिल्कुल थोड़े बहुत का हिंट है, ठीक है? लाइफ लाइन नहीं मिलनी होगी आपके अपने दिमाग, साइंस का टीचर इन्विटेशन पे होगा भी तो भी आपको साइंस का पेपर में कुछ नहीं। इंटरनल और द सेलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप्स इज, व्हाट इज द इंटरनल और द सेलर एनर्जी रिजर्व, व्हाट इज द एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप, स्टार्च, स्टार्च व्हिच इज रिजर्व्ड फॉर्म ऑफ द फूड इन द प्लांट ऑटोट्रॉप, ओके? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज द समरी ऑफ द फोटोसिंथेसिस, इट्स 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर गिव्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 6 ऑक्सीजन एंड 6 वाटर, सेकेंड इज, अच्छा पहली वाली बताओ सही है क्या गलत है इसमें? पहली वाली में उन्होंने लिखा है 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर गिव्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ 6 ऑक्सीजन एंड 6 वाटर, इज दिस अ करेक्ट स्टेटमेंट, सॉरी इक्वेशन? हाँ जी, अगेन पुट योर थम्स अप एंड थम्स डाउन फॉर दिस स्टेटमेंट, सॉरी रिएक्शन, इज इट अ करेक्ट रिएक्शन और नॉट? दिस इज ट्रू, हाउ ट्रू? वाटर है भी वाटर नहीं भी है, ये कैसे सही हुआ? फॉल्स है, वाटर सिर्फ उसका इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है रिएक्टेंट्स के लिए प्रोडक्ट, ये गलत है। कहाँ दिया है? पानी जोड़ना पड़ेगा। अच्छा 12 वाटर है, तो 6 वाटर निकाल दिया, ठीक है ठीक है, ये तो बैलेंस है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 6 लिखती और यहाँ पे ये ना लिखती फिर भी वही बोला 6 कार्बन डाइऑक्साइड विद 1 वाटर पे 1H2O, 6H2O, हमारी एवरेज क्या कहती है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर गिविंग ऑफ ग्लूकोज देन ऑक्सीजन एंड वाटर, ये है आपके पास 3 चीजें इधर और 2 चीजें इधर, ठीक है? इनका रेशियो सेट कर लो ताकि कल आपको थोड़ी ऑल्टर्ड भी आए। दिस इज 6, दिस इज 12, 1 देन दिस इज 6 एंड दिस इज आल्सो 6, ठीक है? ये नंबर आपका प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर वो इन सारे सेक्शन में इसको कट करता है तो उसका ग्लूकोज तो खैर बनेगा, ठीक है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज, हो सकता है ये वाटर को कैंसिलेशन कर दे, यहाँ पे चेंज आ सकती है, जैसे 0 पर ये बनेगा, ये मतलब कैंसिल हो जाएगा, ये 1 और ये 6, ये दोनों स्टेटमेंट सही जाएंगे, ठीक है? उसके अलावा अगर ये वाटर 1 करा और उधर 6 वाटर आ ही नहीं सकते, बैलेंस नहीं होगा, हमारा प्रोपोर्शन ये रहना चाहिए, ठीक है? नंबर फिगर ये रहना चाहिए रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का, क्लियर हुआ? ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट इज थर्ड वाला क्या है? ये गलत हो गया हमारा, ये वाला भी, ठीक है? थर्ड वाला क्या है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 वाटर सनलाइट एंड क्लोरोफिल
वन ग्लूकोज, सिक्स ऑक्सीजन, सिक्स वाटर. नंबर सेम है हमारा 6, 12, 1, 6, 6, है ना. नंबर सेम है, दोनों रिक्वायरमेंट भी कंप्लीटेड है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. अब यहाँ पे देखो, हमने भी ये गलती की, हमने फर्स्ट वाले इक्वेशन को ही ट्रू बोल दिया सबने. क्यों ट्रू बोला? क्योंकि हमने उसमें ये माइन्यूटनेस तो चेक ही नहीं करी, है ना. अगर हम एक ही ऑप्शन पढ़ेंगे तो हम गलत करेंगे, है ना. हम थर्ड वाले में, सेकंड वाले में जब मैंने देखा सनलाइट लिखा है, तो तब मेरे माइंड में क्लिक किया कि ये दोनों चीजें तो इसने बोली नहीं, है ना. अगर हम देखेंगे ये एक ऑप्शन और उसी को ही सही समझ जाएंगे. और बहुत बार ऐसा होगा, बहुत क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पे आप ये कंफ्यूजन डालेंगे, ठीक है. ओके, सो दिस इज द करेक्ट इक्वेशन और ये इसके करेक्ट नंबर्स, राइट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस. इनमें से क्या नहीं होता है फोटोसिंथेसिस में? फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल होता है. नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट होती है. ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, सी ने CO2 नहीं बनना, ठीक है. CO2 वो एज सच लेता है फ्रॉम एयर. नेक्स्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ अ लीफ इज, लीफ के अंदर कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर. और अगर क्लोरोप्लास्ट के साथ ही ऑप्शन लिखा हो थाइलाकॉइड, तो वहां पे थाइलाकॉइड, क्लोरोप्लास्ट के अंदर के स्ट्रक्चर्स होते हैं थाइलाकॉइड, ठीक है. तो वहां पे ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके साथ थाइलाकॉइड्स अलोंग विद स्ट्रोमा आल्सो, ठीक है. तो थाइलाकॉइड्स हो गया, स्ट्रोमा हो गया, अगर कंफ्यूजन के लिए या थोड़ा हाई लेवल डालने के लिए अगर वो इसके पार्ट्स लिख दें, ठीक है. विद द हेल्प ऑफ थाइलाकॉइड्स एंड द फ्लूइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट दैट इज स्ट्रोमा, इन दोनों के साथ. अदरवाइज द एग्जैक्ट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स इज द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के पास से. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फोटोसिंथेसिस विच सब्सटेंसेस आर यूज्ड अप, विच आर प्रोड्यूस्ड एंड विच आर नेसेसरी बट रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है. क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस में कौन से सब्सटेंसेस यूज हो जाते हैं, उसका टेबल दिया हुआ है, ठीक है. यूज्ड अप का एक कॉलम बनाया पूरा, विच आर प्रोड्यूस्ड बनते कौन है, और विच आर नेसेसरी बट रिमेन अनचेंज, जरूरी है पर अनचेंज रहेंगे. तो यहाँ पे अपने रिएक्शन में बताना है कौन से ऐसे हैं. फर्स्ट ऑप्शन गिवन है यूज्ड अप, प्रोड्यूस्ड और रिमेन अनचेंज, ठीक है. इस सीरीज में बोलूंगी मैं, सुनो. यूज्ड अप कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोड्यूस वाटर एंड रिमेन अनचेंज ऑक्सीजन. फॉल्स, है ना. रिमेन अनचेंज इज नॉट ऑक्सीजन, प्रोड्यूस्ड इज वाटर बट टू हाफ एक्सटेंट, है ना. नेक्स्ट इज use this chlorophyll, produce this carbon dioxide and remain unchanged is water. Again false. पानी पानी दोनों तरफ है लेकिन 12 और 6 molecules, ठीक है. तो half is being consumed. Next is oxygen use up, starch produce, cellulose remain unchanged. False. Why? चलो सी तक फॉल्स हो गया, डी सुनना भी नहीं हमने. डी भी सुन लो, वाटर यूज अप, ऑक्सीजन प्रोड्यूस एंड रिमेन अनचेंज इज क्लोरोफिल, ठीक है. सो दिस वाज एन आंसर. सो दिस वे ओनली यू विल बी ऑल रीडिंग द क्वेश्चंस थ्रू, ठीक है. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस. एनीबडी हैविंग एनी क्वेश्चन एंड डाउट? इनविजिबल, विजिबल एंड इनविजिबल दोनों होते हैं. हाँ जी, ऑल सेट, ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड बाय, स्टडी हार्ड एंड स्टे सेफ, बाय.